हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विजय ठाकुर और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। अगर आप वर्कआउट करने से पहले वार्म अप नहीं करते हैं और वर्कआउट फिनिश होने के बाद में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको मसल्स गेन करने में काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अच्छे मसल्स गेन करने के लिए, इंजरी से बचने के लिए और जिम में लंबे समय तक टिके रहने के लिए वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं एक एक एक्सरसाइज करके आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको ये भी बताता जाऊंगा कि वर्कआउट शुरू करने से पहले आपको कौन कौन से वार्म अप करने हैं और वर्कआउट फिनिश होने के बाद में आपको कौन कौन सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों ये जो मैं आपको पहली एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये आपको वार्म अप भी करनी है वर्कआउट शुरू करने से पहले। आप एक मिनट तक कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करनी है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है ये, ये है पहली एक्सरसाइज। इस बात का ध्यान रखना कि आपकी फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, चाहे आप वार्म अप कर रहे हो चाहे आप कोई सा भी वर्कआउट कर रहे हो, करेक्ट फॉर्म में आपको करना है तभी आपको उस वर्कआउट के या उस वार्म अप एक्सरसाइज के रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी जो एक्सरसाइज आपको करनी है, थोड़ा सा पैरों को खोलना है, ठीक है, इतना खोल लिया पैरों को, ये भी आपको वर्कआउट शुरू करने से पहले करनी है। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पैरों को खोल लेना है और ये जो थोड़ा मोटे लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन शुरू करें आप जे। दूसरी एक्सरसाइज, ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको जो तीसरी एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेहतरीन वार्म अप एक्सरसाइज है और जिन लोगों के फैट ज्यादा है, पेट पर चर्बी ज्यादा है, उन लोगों को ये एक्सरसाइज जरूर करनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी एक्सरसाइज आपको गलत टेक्निक से नहीं करनी है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके देख लो और बहुत ध्यान से आप इस एक्सरसाइज को देख लो। तो सबसे पहले आपको इस पोजिशन में आना है, ठीक है, इस पोजीशन में आ गए आप सीधे, फिर आपको ये देख रहे हो, ये इसी टेक्निक से करनी है, गलत टेक्निक का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार और दिखा देता हूं, ये पैर ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है, गलत आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है और चेस्ट अप रहेगा, हाथ ऐसे रहेंगे, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे में थोड़ा दिक्कत होगी आपको, ये एडवांस लेवल की है, ठीक है। आप बिगिनर हो तो पहले ऐसे हाथ रख के ऐसे सीधे और इस तरीके से बस, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको तीन सबसे बेहतरीन वार्म अप एक्सरसाइजों के बारे में बता दिया है जो कि आपको वर्कआउट शुरू करने से पहले 5 मिनट तक रोजाना करनी है। अगर आप इन एक्सरसाइजों को 5 मिनट तक रोजाना करते हो तो आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी और आपकी बॉडी हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए तैयार रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ बेहतरीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजों के बारे में जो कि आपको वर्कआउट फिनिश होने के बाद में 5 मिनट तक रोजाना करनी है। अगर आप इन एक्सरसाइजों को नियम से करते हो तो आपकी मसल्स हमेशा मुलायम रहेगी और आपकी बॉडी हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है और ये एक्सरसाइज आपको वर्कआउट फिनिश होने के तुरंत बाद में करनी है, कैसे करनी है वो जरा आप ध्यान से देख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको पैर खोलने हैं, ये थोड़ा एडवांस लेवल पे है लेकिन आप सीख जाएंगे तो एडवांस भी बनेंगे, हमेशा बिगिनर्स नहीं बना रहना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैरों को खोल लेना है और ये बॉडी को आगे आगे इस तरीके से लेके जाना है, ठीक है, ये बैलेंस बना के और ये देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमारी पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, अब जो ये दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये आप खास उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आपका लेग का वर्कआउट हो। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले आपको पैरों को इस तरीके से खोल लेना है, देख लो, ठीक है, ये भी थोड़ा मुश्किल है
जो मोटे लोग हैं उनको थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन जो पतले लोग हैं वो कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सबसे पहले करेक्ट फॉर्म हमें ले लेनी है। तो देखो इस तरीके से थोड़ा पैरों खोल लेना है और ये हाथ आप ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, और आप आगे भी ले ऐसे हाथ रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देख रहे हो आपकी जो जाम मसल्स है ना लेग की, वो सारी खुल जाएगी। देखो थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सीखो, ठीक है। हमेशा बिगिनर्स नहीं बने रहना है, थोड़ा एडवांस लेवल पर भी जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म के साथ करना है, आपको गलत कुछ नहीं करना है। देख लो जिस दिन आपका लेग का वर्कआउट होता है, एक से डेढ़ मिनट तक एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद में जरूर करें, ठीक है। पैरों की मसल्स ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, लेग की मसल्स ग्रोथ। तो चलो बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की। तो दोस्तों तीसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर मेरे पास एक मैट है, आप इस तरीके का एक मैट ले लें और ये एक्सरसाइज आपको वर्कआउट फिनिश होने के तुरंत बाद में करनी है। दो मिनट तक आप इस एक्सरसाइज को रोजाना करें। इसके क्या क्या फायदे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले एक्सरसाइज देख लो, इसकी सही टेक्निक देख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैट बिछाना है, इस तरीके से हमें मैट बिछाना है ये, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये पैर आपके देख लो अच्छी तरह से, गलत नहीं करना है, हमें कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से देखो और उसके बाद ये हम हाथों को आगे करेंगे और ऐसे जाएंगे पीछे, ये यहां पे थोड़ा होल्ड होगा, थोड़ा रुकेंगे फिर आगे आ जाएंगे इस तरीके से, फिर पीछे, ये तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को बैक पेन की समस्या है, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है जिनको, आजकल बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं ना तो उससे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाती है, गर्दन में दर्द होने लगता है, उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। वर्कआउट करने के बाद में आपको दो मिनट तक रोज करनी है, और जो लोग जिम नहीं जाते हैं घर पर ही एक्सरसाइज करते हैं वो पांच मिनट तक रोज करें इस एक्सरसाइज को, गर्दन दर्द ठीक हो जाएगा और सर्वाइकल की प्रॉब्लम से आपको काफी राहत इससे मिलेगी। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दो आदमियों में शेयर करें और इसी तरह के यूजफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।